यहाँ पर है स्टूडेंट हॉस्टल एंड गेस्ट हाउस और वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी है। ठीक है, इस ईडन हॉस्पिटल स्पेशली फॉर इसी रोग के लिए जो ये है कोलकाता मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के अंदर ग्रीन बिल्डिंग, ये है ब्लड सेंटर। हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज के इस ब्लॉग में कोलकाता का बिगेस्ट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल विजिट करने जा रहा हूँ। तो अभी मैं उपस्थित हूँ कोलकाता का हावड़ा रेलवे स्टेशन के सामने और यहाँ से चलते हैं कोलकाता कॉलेज स्ट्रीट जहाँ पर है कोलकाता का मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो विजिट करते हैं और आपको दिखाते हैं एक्सप्लोर करके। चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो गाइस फाइनली आ गया कोलकाता का कॉलेज स्ट्रीट में और यहाँ से करीब एक मिनट की दूरी पर है कोलकाता का मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कोलकाता का मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बाहर का और अंदर का व्यू। तो कॉलेज स्ट्रीट जैसे आप एक मिनट पैदल आगे आते हो तो यहाँ पे आपको कोलकाता का मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का फर्स्ट गेट दिख जाता है। और इस कोलकाता का मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का टोटल 8 गेट है जिसमें 4 नंबर जो गेट है वो बंद है। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं, उसके बाद आपको अंदर का इसका व्यू दिखाते हैं। तो ये है एक नंबर गेट के बाहर का व्यू। अब को लेकर चलते हैं और दिखाते हैं दो नंबर गेट के बाहर का व्यू। और जैसे आप एक नंबर गेट से कुछ आ गया तो यहाँ पर सेकंड नंबर गेट दिख जाता है। तो ये देख पा रहे हो, ये है सेकंड नंबर गेट। ठीक इसी प्रकार से और भी आगे 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से गेट है, टोटल 8 गेट है। तो अब दो नंबर गेट से अंदर एंट्री करते हैं और अंदर का व्यू दिखाते हैं इस कोलकाता का मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का। तो फाइनली गाइस आ गया मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का सेकंड नंबर गेट के सामने। तो अब इसके अंदर एंट्री करते हैं और अंदर का व्यू एक्सप्लोर करते हैं। तो ये सेकेंड गेट कोलकाता का मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का। तो इसके अंदर जैसे आप एंट्री करके आते हो तो सामने में इमरजेंसी डिपार्टमेंट दिख जाएगा और यहाँ पे इको डायग्नोसिस का डिपार्टमेंट भी है। तो और आगे तब चलते हैं और आगे व्यू दिखाते हैं। कोलकाता का मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सेकंड गेट से एंट्री करके आने के बाद आपको इस प्रकार का डिपार्टमेंट और व्यू दिख जाएगा। तो यहाँ पर है स्टूडेंट हॉस्टल एंड गेस्ट हाउस। और वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी है। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा है और इसके अंदर नर्स हॉस्टल और इसके अलावा नर्स ट्रेनिंग का स्कूल और इसके अलावा हर डिपार्टमेंट अवेलेबल है इस कोलकाता का मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अंदर। चलिए और अंदर की तरफ चलते हैं और अंदर का व्यू आपको दिखाते हैं। तो जैसे आप कुछ अंदर एंट्री करके आते हो तो यहाँ पर आपको अंदर में इस प्रकार का व्यू दिख जाएगा और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के विभाग भी है। और यहाँ पर है ईडन हॉस्पिटल जो 150 करीब साल पहले बनाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। तो ये जिसमें गर्भवती महिलाओं को ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये सामने आपको रेड कलर बिल्डिंग दिख रहा है, यही है ईडन हॉस्पिटल।
तो ये है गाइस ईडन हॉस्पिटल स्पेशली फॉर स्त्री रोग के लिए, जो गर्भवती महिला होती है और यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है। तो कोलकाता सबसे बड़ा हॉस्पिटल है गर्भवती महिला के लिए। तो और आगे तरफ चलते हैं और आगे भी दिखाते हैं इस कोलकाता का मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का। और ये जो आप रास्ता देख पा रहे हो, ये रास्ता 3 नंबर गेट की तरफ जाता है कोलकाता का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का। तो अभी इस कोलकाता का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का ब्लड बैंक सेंटर दिखाते हैं। चलिए, और यहाँ पे कॉलेज ऑफ नर्सिंग है। और ये है कोलकाता मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के अंदर ग्रीन बिल्डिंग, और ग्रीन बिल्डिंग के पास में ही है ब्लड सेंटर। तो देख पा रहे हो, ये है ब्लड सेंटर। और ब्लड बैंक की तरफ जाने वाले के रास्ते के ऑपोजिट साइड में जो रास्ता है वो है 5 नंबर गेट की तरफ जाने के लिए। तो इस तरह से जैसे चलते हैं आगे तरफ तो 5 नंबर गेट की तरफ चला जाता है। चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये जो रास्ता है, ये रास्ता 5 नंबर गेट की तरफ जाता है। तो यहाँ से जो आपको गेट दिख रहा है, ये है 5 नंबर गेट कोलकाता का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का। तो फिर से अंदर की तरफ चलते हैं और अंदर का और भी व्यू दिखाते हैं। तो गाइस कोलकाता का ये मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल काफ़ी पुराना है, और ये इसका स्थापना जो है 1962 में हुआ था, जो अंग्रेजों के जमाने में किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और तभी से चलता आ रहा है। और उसके बाद काफ़ी सारे इसके अंदर कंस्ट्रक्शन काम नए नए हुए हैं, और काफ़ी सारे बदलाव भी हुए हैं, और काफ़ी सारे और भी बिल्डिंग तैयार हुए हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हो, और भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, और भी इसका अंदर निर्माण हो रहा है। तो और आगे तरफ चलते हैं इस कोलकाता के मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के, और आगे आपको व्यू दिखाते हैं। और यहाँ पे जो घर देख पा रहे हो, इस घर के अंदर जो हॉस्पिटल के बेड पे चादर रहते हैं उसका यहाँ पे वॉशिंग होता है। तो और आगे तरफ चलते हैं और आगे आपको व्यू दिखाते हैं। तो फाइनली 6 नंबर गेट के सामने आ गया। यहाँ से आपको 6 नंबर गेट दिख रहा है कोलकाता का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का। तो ये 6 नंबर गेट कोलकाता का मेडिकल एंड कॉलेज हॉस्पिटल का। और यहाँ से आप 6 नंबर गेट के व्यू देख सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे जो पेशेंट के परिजन है वो यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो अब इस गेट से एग्जिट करते हैं 6 नंबर गेट से। तो फाइनली कोलकाता का इस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के 6 नंबर गेट से एग्जिट कर गया। तो इसी प्रकार से कोलकाता का इस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के अंदर करीब 8 गेट है, जिसमें से जो 4 नंबर गेट है वो बंद पड़ा है। तो ये था गाइस कोलकाता के मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का बाहर और अंदर का व्यू। तो आई होप कि आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद लाइक कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक टेक केयर। जय हिंद।